भैया क्या हो गया उसके बारे में आज का कैप्शन भी है कि क्या हाल है YouTube फैमिली, आज आपका फिर से स्वागत हमारे इस ब्लॉग में। और भाई लोग, हम आज की मॉर्निंग जो हो रही है वो हो रही है नगरोटा सूर्या से। अभी हम जा रहे हैं हरिपुर वाली साइड, क्योंकि हरिपुर में एक बहुत ही फेमस महल है, तो हमने सोचा कि उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं। लेकिन नगरोटा सूर्या से थोड़ी सी दूर अभी आगे पहुंचे हैं, 10 किलोमीटर दूर आए हैं, और साथ में ही हमारी बाइक के साथ हो गया है रिस्क की काम। किसी भाई की बाइक लेके आए थे, चैन जो है वो घिस चुकी है, उसकी वजह से चैन निकल गई हो गया और बाइक अपनी रुक गई है। और हमने हमारे साथ है आर्यन और अंकुश, तो अंकुश और आर्यन आ गए हैं पल्सर पे, तो हमने उनको कॉल किया भाई पीछे आओ, और हमारी जो चैन है वो निकल गई है। बाकी देखते हैं क्या बनता है यार, क्या क्या होता है यार नहीं बंदे के साथ। बंदे की लाइफ ना एक झंड बन के रह जाती, झंडू बन के रह जाती। उसने बोला था कि चैन निकलने वाली है, कोई नहीं टाइट करवा लेते हैं ना, क्या पता हो ही जाए, डील ली है चैन, कुंडा निकलवा लेते हैं। चलो लेट्स गो गाइस। 10-15 किलोमीटर ऐसे ही लेके आना पड़ा है, बीच बीच में 2-3 बार चैन खुली है, खुद चढ़ाई है, ये देखो हाथ भी गाले। अभी हम पहुंच गए हरिपुर, हरिपुर में बाइक अपनी ये लग चुकी है और इसमें अभी करवाते हैं काम। भैया को बोल दिया, भैया कर लेंगे और उसके बाद यहीं से निकलेंगे। भाई यहाँ पे हमने भैया को दिखाया और भैया ने बोला कि इसकी गरारी चेंज होगी और इसका टांका निकलेगा, तो हमने भैया को बोला कि थोड़ा सा जुगाड़ कर दो, मतलब हम घर पहुंचे, बाइक किसी और की है, तो भैया ने मना कर दिया, कहते हम नहीं करते ऐसा काम। तो भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी आगे जाके करवाते। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं डेरा, नहीं अभी हम पहुंच नहीं चुके हैं डेरा ज्वाला जी, इस रोड से आप जा सकते हो, उठ रहे हो वहाँ पे है हरिपुर चौक, हरिपुर चौक से थोड़ा सा पीछे 3-4 कदम पीछे हमें मैकेनिक मिल गया, तो वहीं पे हम अपनी बाइक का जो है वो काम करवा रहे हैं। पीछे तो उन्होंने मना कर दिया, बड़ी अक्कड़ से बात कर रहे थे भैया, हमने सोचा कि छोड़ो इनसे करवाना नहीं है काम। अभी हम यहाँ पे आए हैं तो देखो क्या बनता है। तो गाइस अभी काम हो गया बाइक का, पता नहीं अभी क्या रंग दिखाएगी अपना, आई डोंट नो, बट जितना हमसे हो सका है हमने उतना काम करवा दिया इसका। यहाँ पे हमने अपनी चैन का काम करवाया, वहीं से हमें 1 किलोमीटर पड़ेगा हरिपुर फोर्ट, 1 किलोमीटर हेरिटेज विलेज प्रागपुर, 30 किलोमीटर और चिंतपूर्णी मंदिर 35 किलोमीटर, 35 ये 30 और 35 में तो जा नहीं रहे हम, 1 किलोमीटर जाएंगे। और ये वाला जो चौक है ये हरिपुर चौक है, ठीक है, मेन चौक यहाँ से हम जाएंगे राइट वाली साइड, और ये रास्ता आपको चंडीगढ़ को भी लेके जाता है, दिल्ली को भी लेके जाता है, हरिद्वार को भी यही लेके जाता है, जिसको जाना हो वो जा सकता है। तो भैया ने हमारी हेल्प की बहुत ज़्यादा, भैया आपका नाम उत्सव, काफ़ी ज़्यादा उत्सव आप। चलो ठीक है, नाइस टू मीट यू। यूट्यूब चैनल हमारा द थर्स्टी वाइब्स नाम है, हाँ जी। वापस आए हम ही चौंक से, हमें जाना इस तरफ चलो। सो गाइस वेलकम बैक, दिस इज अंकुश। आज हमने लोकेशन डिसाइड करी थी हरिपुर फोर्ट में आने की, हेरिटेज प्रॉपर्टी, वहाँ हम पहुँच चुके हैं तो हमें रास्ता मिल नहीं रहा था। और आप लोगों को भी अगर यहाँ आना होगा, गूगल मैप आपको लोकेशन दिखा सकता है लेकिन असली रास्ता वो भी नहीं बताएगा, तो आपको लोकल्स जो होते हैं बंदे उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी, ठीक है, ये पीपल का पेड़ है ट्याड़ा, ठीक है यहाँ पे आ जाना। एक अंकल जी ने हमें शॉर्टकट बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पीपल के पेड़ के पास जो बैठने की जगह है वहाँ से ये वाला रास्ता शॉर्टकट जाता है, ठीक है, जो कि बाई फुट है, और हम भी पैदल ही जाएंगे 100-200 मीटर, तो पैदल चलते हैं, ठीक है, घने जंगल में, क्योंकि सारा एरिया ऐसे वाइल्ड फॉरेस्ट जैसा है, तो यहाँ से एंट्री कर ली हमने। और मैं वेट कर रहा हूँ कि पीछे वाले भाई लोग भी अपने आ जाएं, और अभिषेक चिल्ला रहा है कि आ जाओ, वो मान नहीं रहे, दो लड़के जो हमारे साथ आए हैं। पहली बार आए हैं इस वाले रास्ते से, तो फुट ट्रेल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल्स ने फुट ट्रेल बना रखे हैं फोर्ट को जाने के लिए। फोर्ट वहाँ है, ये एक रास्ता, ये एक ये है। मैं कहता हूँ दो बंदे यहाँ चलते, दो बंदे यहाँ चलते, जो पहुंच जाएगा वो आवाज लगा देना। हाँ, चश्मे में दिख रहा है भाई, पावर वाला थोड़ी ना, ठीक है। लेकिन एक बात है कि ग्रीन ब्यूटी यहाँ पे बहुत है, घास वास हो रखा है, ठीक है, पूरा हरा भरा हो रखा है मानसून के मौसम में। और फोर्ट पहुंच के आपको फोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह भी बताएंगे, इसने बनवाया था, कब बना था और कैसे बर्बाद हुआ, अभिषेक बता रहा है। और ये लड़का कह रहा है सुसु करने का इतना अच्छा पॉइंट मिल गया, मार इसको मार। भाई हमारे साथ मस्ती वस्ती तो होती रहती है हमारे। ओ भाई ऐसा रास्ता है जिसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग, अभिषेक कह रहा है वो कुछ बैठा हुआ है। अभिषेक क्या बैठा है, डर तो लगेगा भाई, थोड़ा ध्यान से देख देख। रास्ता बंद, तो वहाँ पे था ना रास्ता, तो भाई हमें थोड़ी देर पहले मिले थे, तो इधर से, तो भाई हमारी हेल्प करने आ गए ऊपर से वो, फिर जंगल है पूरे, नहीं जा सकते यहाँ से, रास्ता नहीं, यहाँ से घूमते लोग यहाँ से जाते थे, बरसात होगी तो यहाँ से निकलते हम बाहर,
तो भाई रिस्क नहीं लेना क्योंकि बहुत दिनों बाद तो फॉर्म में वापस आए हैं। तो भाई ने कहा कि आगे बहुत ज्यादा घना हो चुका है घास वास की वजह से, और चट्टाने होती है वो भी शायद लैंडस्लाइड की वजह से गिर गुर गई है, तो रास्ता बंद ही हो गया है। एक दूसरा रास्ता अल्टरनेटिव उसमें देखते हैं कि वो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाता है कि नहीं, कि आज हमारे साथ फिर LOL हो जाएगी, क्योंकि पिछले ब्लॉग में हमें गालियां बड़ी थी कुछ वर्ड यूज करने के लिए, तो आज डिफाइन कर रहे हैं कि वो LOL था। तो मीतू बादशाह कह रहे हैं पदरी बात बनी हुई है, पदरी बात इट मींस कि हिमाचली में कहा जाता है कि क्लियर रास्ता है, तो क्लियर है कुछ ऐसा है भाई। 50 मीटर है, क्या हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे पता ही नहीं। एक बात देखना, तेरी छाती के लेवल तक घास बूटी है। जहाँ हम रहे थे दूसरे रास्ते से, लेकिन ये वाला जो पैच है, ये वाला जिसपे मेरी उंगली जा रही है, खड्डा है और इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे नहीं। वैसे सामने आप देख सकते हो, सामने महल है, लगभग टूट चुका है, कुछ नहीं मिला हमें। अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस, हरिपुर किले से जुड़ी हुई एक और चीज जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और आप लोगों को दिखानी थी, के बारे में आज का कैप्शन भी है कि एक कुआं है जिसके अंदर 5 कमरे हैं, ठीक है, सीक्रेट रूम्स इन अ वेल, और ऐसा कुछ गेट है जिसके अंदर भाई लोग अपने खड़े हैं। तो चलते हैं गेट के अंदर, और ये रास्ता है, स्विमिंग करके जाओ। ओ भाई ये तो खत्म, उठा ही सीन हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यह अंदर कुआं है जो अभी पानी से भर चुका है बरसात में, तो इसमें 5 कमरे हैं। एक कमरा ये है जिसका रास्ता यहाँ से जाता है, एक आगे है होल, एक उसके आगे है, एक उसके आगे है, तो ऐसे करके 5 रूम है इसके अंदर श्री राम जी के मंदिर में। और भाई लोग, इसकी खास बात ये है कि ये जो मंदिर है ये 800 वर्ष पुराना है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। So this is mandir. Shoes on side में खोल लेंगे, दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे खाई है मंदिर के पीछे, ऐसा कुछ है रास्ता, इसके अंदर से जाएंगे। यहाँ पे एक बैल बांध रखा है, और मैं पहुंच गया हूँ बिल्कुल एज पे पहाड़ के, जिस पहाड़ी पे ये मंदिर था, और उसके पीछे वो देखो भाई साहब, वहाँ सामने जा रही है बरोड खड्ड। जैसा कि बोला जाता है कुल्लू मनाली डाडा सिब्बा, वैसे ही हरिपुर को अकेला हरिपुर नहीं बोला जाता, इसको भी 2 कस्बों में एक साथ बोला जाता है, जिसको बोलते हैं हरिपुर और दूसरा कस्बा है गुलेर, तो इसके नाम भी दोनों एक साथ बोले जाते हैं। भैया ने बहुत ज्यादा मदद की हमारी, चाहे हमें देखने को मिला ना मिला, लेकिन भैया ने हमारा साथ दिया है पूरा पूरा, तो ये तो बनता ही है कि भैया को घर के बाहर छोड़ना पड़ेगा। चलो भैया, ओके बाय, मिलेंगे ठीक है फिर से अगर आएंगे तो। भैया क्या हो गया? जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इस वाली बाइक का पहले चेन खराब हो चुकी थी, उसके बाद टायर हवा निकल गई, तो मैं उतर के यहाँ बैठे थे, हम ट्रिपलिंग करके आ रहे थे, एक दुकान मिली 7 किलोमीटर के बाद, अभी टायर खोल के देखेंगे क्योंकि ये ट्यूब वाला टायर है, तो इसमें देखते हैं पंचर है कि नहीं है। भाई ऐसा ही होता है, जब बड़ी जल्दी होती है ना तो बंदा बड़ा लेट होता है। ट्यूब की हो चुकी हालत बुरी, ये आप देख सकते हो सामने, और भैया को हमने पूछा कि भैया पुरानी ट्यूब पड़ी है, तो भैया कहते हैं कि सुबह सुबह ही निकाल लिया, अभी नई ट्यूब डलवा ली हमने और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और शाम के बज चुके हैं 6:30, तो क्लाउडी वेदर है, उसकी वजह से अंधेरा होने वाला है, तो हमने सोचा कि घर पहुंचने से पहले रास्ते में ही ब्लॉग जो है वो एंड किया जाए, तो बहुत अच्छी लोकेशन है, नदी बह रही है और साथ में ब्रिज भी है, और मैंने सोचा कि ऐसी ही नेचुरल जगह पे ही ब्लॉग को भी करते हैं खत्म। तो अभिषेक अपना डांस बंद करो और इधर आजा, आजा आजा भाई, जंप मार के आजा। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रहो मस्त, रहो आजाद, रहो लिव लाइफ लिव योर ड्रीम्स। जय हिंद।